सिर्फ देश के दो गद्दार टीवी पे हंस रहे थे। देश का गद्दार ही कल हंसा होगा, कोई देशभक्त कल कोई नहीं हंसा। मैं तो एक ट्रेंड चल रहा ट्विटर पे, पनौती पनौती पनौती। 140 करोड़ जनता वो कल मायूस थी। ये नरेंद्र मोदी जो भीड़ में बैठा था, उसके जो आसपास में लौंडियां बैठी थी, लौंडे बैठे थे, वे कौन थे उनकी पहचान करके बताओ। अगर पनौती पहुंच गया तो इंडिया वर्ल्ड कप हार जाएगा। पनौती किसको आप कह रहे हैं? अब समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। आजा मोदी मैदान में, चुनाव हरा 2024 का। दुनिया की सबसे धनी संस्था है बीसीसीआई, तो लूट कैसे मचेगी? कुछ लोग कह रहे कि नाम से आपत्ति है। अरबों खरबों रुपए का सट्टा था कल भारत पे, धोनी को नहीं बुलाया। क्यों? कि अगर वे पहुंच जाते तो कैमरा पनौती से हट जाता। अगर तुम गधे को घोड़ा समझोगे तो यही हाल होगा कि सरकार के चाटुकार है, कि सरकार ने कह दिया कि आज इतना भोंकना है, तो ये वो कुत्ते हैं कि उतना ही भोंकेंगे। कुछ गधा हमारे बीच भी है, वो सुधीर चौधरी, हमारा भी तो गधा है। एक ताली कप्तान को तो गाली भी तो कप्तान को ही मिलेगी। देखिए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम गए हुए थे, और क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद नाम उनका नरेंद्र मोदी जी है और खुद नरेंद्र मोदी स्टेडियम चले गए, लोग कह रहे हैं कि भैया मैच हार गए जब से आए विकेट गिरा ही नहीं। आपको क्या लगता है ताऊ जी, बताइए जरा आनंद जी, क्या चीज है? जब से गए तब से विकेट ही नहीं गिरा हुआ। देखो एक चीज है, कोई भी बड़ा मैच हो, कोई बड़ा इवेंट हो, वहां कभी भी किसी भी देश के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए। ये तो आप सलाह दे रहे हैं भैया, सलाह मैंने चुनाव इससे मैच से पहले सलाह दी थी, मानता तो नहीं है? वही है ना कि गधे को दिया नमक कि मेरी आंख फोड़े, तो इसलिए मानता नहीं। और कौन नहीं मानता इस देश में? अगर कोई तानाशाह होगा वो नहीं मानता किसी की, क्योंकि अगर कोई बड़ा व्यक्ति ऐसी जगह जाएगा तो जो वहां खिलाड़ी खेलते हैं वो दबाव में रहते हैं कि मेरे देश का प्रधानमंत्री बैठा है कोई गलती ना हो जा, मेरे देश का राष्ट्रपति बैठा है कोई गलती ना हो जा, तभी गलती होगी उससे। तो हारने का जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को आप दे रहे हैं कि जब जीत का सेहरा प्रधानमंत्री के बंधेगा, ताली कप्तान को तो गाली भी तो कप्तान को ही मिलेगी। तो कप्तान तो रोहित शर्मा जी है ना? कौन कह रहा? जब ये गधे, किसको बोला आपने? दलाल मीडिया को। जब वो एजेंडा चलाते हैं कि आज रात 9:30 देखिए मोदी जी वर्ल्ड कप जिताएंगे, तो आज उनका दूसरा एजेंडा चलेगा, देखिए मोदी जी ने वर्ल्ड कप हराया आज रात 9:30। ये क्यों नहीं चलाते वो? जब जिता सकता है तो हरा भी तो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोहित की गलती नहीं है, समी की गलती नहीं है, कुछ गधा हमारे बीच भी है। वो सुधीर चौधरी, हमारा भी तो गधा है एक। हाँ, वो कह रहा था कि देखो इसमें आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण का विरोध कर रहा था वो गधा। मैं सीधा कहता हूं जी, वो कह रहा था आरक्षण का विरोध नहीं होना चाहिए, अगर आरक्षण होता तो इंडिया की टीम नहीं जीतती। अब तो इसमें आरक्षण ना था, ये क्यों हार गई? अब जवाब दे दे वो, क्योंकि ये वही नालायक है जो देश को भ्रमित करते हैं, 100 करोड़ की रिश्वत लेके तिहाड़ जेल जाता है। यही बता रहा था 2000 में चिप है, 2000 के नोट में, इसने ही कहा था। तो ये वो लोग हैं कि सरकार के चाटुकार हैं, कि सरकार ने कह दिया कि आज इतना भोंकना है, तो ये वो कुत्ते हैं कि उतना ही भोंकेंगे। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के, जो इनके एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि जब विकेट लगभग हारने के कगार पर इंडिया थी तो वो मुस्कुराते नजर आए हैं, मतलब कि हंसते हुए नजर आए हैं, तो उसमें लोगों को बड़ा खेद है। आपको भी ये आपने देखी होगी वो वीडियो कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ठहाके मार रहे हैं, अमित शाह भी और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के वो भी थे, इसको कैसे देख रहे हैं? वो इसलिए हार रहे थे कि जितना सट्टे का पैसा है वो हमारे पास आ गया, और ये जो मूर्ख देश की जनता 140 करोड़ जनता रो रही है, तो देखो कितने मूर्ख हैं। ये पैसा लगाते हैं वो हारते हैं और रोते हैं, और हम ना पैसा लगाते, जनता का पागल बनाते हैं, और सट्टे में हम जो जीत गए क्योंकि इंडिया पर सट्टा ज्यादा लगा था। अमित शाह को, अमित शाह के जो बेटे हैं जैसा, उसको भी दोषी करार दे रहे हैं। देखिए भाई साहब, अगर तुम गधे को घोड़ा समझोगे तो यही हाल होगा भाई। हाँ, कौन घोड़ा यार? एक बात तो बता, मेरे पे बल्ला चलाना आता नहीं, गेंद पकड़नी आती नहीं,
मोदी पता क्या कह रहा, अमित शाह का बेटा कह रहा है कि क्या करूं, इस रोहित शर्मा ने मुझे बैटिंग के लिए बुलाया नहीं, बल्ला लेकर तैयार खड़ा था। और फिर वो कह रहा कौन, नहीं रोहित शर्मा कप्तान, कि क्या करूं ये जल्दी से आया नहीं, अभी तो सारी लंबी लंबी फेंकने वाला तो लेट आया थोड़ा सा, ये पहले क्यों नहीं आया था, मोदी इससे लंबी फेंकने वाला कोई है? पहली बार नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इतना बड़ा मैच टूर्नामेंट, जब चंद्रयान 2 गया था तब पनौती उसमें बैठा था, जब वो उतरने वाला था नहीं उतरा, खराब हो गया। चंद्रयान 3 गया, ये वहां था दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में कहां था, चंद्रयान सफल हुआ। और ये पहले से लोगों ने बता दिया था अगर पनौती पहुंच गया तो इंडिया वर्ल्ड कप हार जाएगा। पनौती किसको आप कह रहे हैं? अब समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। प्रधानमंत्री को पनौती कह रहे हैं, ये कह रहा मैं तो, एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे, पनौती पनौती पनौती। 140 करोड़ जनता वो कल मायूस थी, मायूस थी हारने पे, सिर्फ देश के 2 गद्दार टीवी पे हंस रहे थे, वो देशद्रोही होंगे जो कल हमारी हार पे हंसे हैं। खिलाड़ी रोहित शर्मा भी रो रहे थे कल, क्यों नहीं रोएगा, मेहनत करी है, 10 के 10 मैच वे जीत के आए हैं, लेकिन इन्होंने सट्टे के कारण इनको हरवाया गया है। हंस कौन रहा था? वीडियो तो तुम ही बता रहे थे कौन कौन हंस रहे थे, क्या नाम लिया था, क्या नाम लिया था लल्ला, क्या नाम लिया था तन्ने हंसने वालों का? आपको आरक्षण नहीं मिला तो आप विरोध में बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्यों ऐसा हमको लग रहा है, इसलिए सवाल कर रहा है। कल को तू बन जा प्रधानमंत्री, ये तो तेरे खिलाफ भी ऐसे ही आओगा। हमें यो ना कौन बैठा, हमें अपने अधिकारों से मतलब है, अधिकार जहां भी होंगे हम लेकर कर रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, आजा मोदी मैदान में, चुनाव हरा 2024 का, अब ना बख्शे मोदी नहीं आएंगे, कहां से आएगा 24 में, तो कह रहे हैं जो आ चुका अब तो उसका जाने का टाइम है, अब तो उसका जाने का टाइम है। गुजरात कह रहे मौका और देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्यों, कौन कह रहा, लोग कह रहे, कौन सा लोग कह रहा, उसे बुला के ला, अयोध्या के लोग कह रहे हैं, यूपी के लोग कह रहे हैं, यूपी अयोध्या के लोग कह रहे रुक जाओ रुक जाओ, 3 दिसंबर होगा और उसके बाद बाबा का पत्ता कटता होगा, बाबा कुर्सी से जाएगा। ये गुजरात लॉबी है, बीजेपी के जितने छत्र तप थे सबको बर्फ में लगा दिया, बाबा बच रो, अब 3 दिसंबर के बाद बाबा का ही नंबर है। कह रहे यूपीए में 2-2 वर्ल्ड कप जो है, एक इंदिरा गांधी 83 में और दूसरा फिर 11 में यूपीए गवर्नमेंट के जरिए 2-2 वर्ल्ड कप देश ने जीता है, क्या बात हो गई कि बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट में नहीं जीत पाई 2 वर्ल्ड कप? बात जीतने हारने की नहीं है, जब देश में 3रा वर्ल्ड कप हो रहा था तो क्या पुराने वर्ल्ड कप के खिलाफ कप्तानों को क्यों नहीं बुलाया गया, कपिल देव को नहीं बुलाया गया, धोनी को नहीं बुलाया, क्यों कि अगर वे पहुंच जाते तो कैमरा पनौती से हट जाता, पर कैमरा जीबी को तो कैमरा चाहिए। ये किसने किया, बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं, बीसीसीआई के, यार उसकी औकात है, उसका बाप है वहां, कौन है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को बल्ला पकड़ने की तमीज नहीं, गेंद के साइज का पता नहीं है, बैठा दिया क्यों कि ये आदमी जो है ये गृह मंत्री है, अब इसका बेटा चाहे पागल हो चाहे कुछ हो बैठा दो बीसीसीआई का, वह क्यों बैठाया गया, दुनिया की सबसे धनी संस्था है बीसीसीआई, तो लूट कैसे मचेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम से आपत्ति है, अरबों खरबों रुपए का सट्टा था कल भारत पे, वो कह रहे हैं कि नाम जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा के, उससे भी लोगों को बड़ी दिक्कत हुई है। सरदार पटेल से तो नफरत करती है आरएसएस, सरदार पटेल ने जब गृह मंत्री थे आरएसएस पे बैन लगाया था, तो उससे बदला लेने के लिए उसके स्टेडियम का नाम हटा करके नरेंद्र मोदी का नाम रखा गया और नरेंद्र मोदी आरएसएस का प्रचारक रहा, तो ये जाके मैच भी देख रहे थे, है? तो खुशी की बात होनी चाहिए। अरे ये तो अलग सिस्टम था, ये इसे प्रोजेक्ट करने का था, अगर सट्टा ना लगता, भारत पर सट्टा नहीं लगता, तो कल ये दिखाने के लिए था कि मोदी ने मैच जिता दिया, अमित शाह के बेटे ने मैच जिता दिया, कल ये दिखाना था,
लेकिन भारत पर सट्टा ज्यादा लग गया तो इन्हें फिर पैसा दिखाई दे गया। मोदी और अमित शाह घोर किसे दिखाई देगा? सरकार तेरी, पावर तेरी, और क्या मुझे दिखाई देगा? लेकिन ये लोग तो बधाई दे रहे थे कि बहुत बढ़िया टीम इंडिया खेल रही है, अमित शाह जी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री जी। अरे और हंस कौन रहा था? देश का एक नागरिक बता दे इन दो के अलावा कोई कल हंसा हो, उसकी फोटो दिखा दे कल की। तुम तो पत्रकार हो, चपे जगह घूमे होगे, कोई हंसता हुआ तुम्हें मिला? और सुन, मैंने इसलिए कहा था कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को नहीं जाना चाहिए, सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, है? और कल एक व्यक्ति स्टेडियम में घुस गया, घुसा कोहली तक पहुंच गया। तो जब वो कोहली तक पहुंचा, वो नरेंद्र मोदी तक भी तो पहुंच सकता था। और एक चीज बताओ, ये नरेंद्र मोदी जो भीड़ में बैठा था, उसके जो आसपास वे लौंडियां बैठी थी या लौंडे बैठे थे, वे कौन थे? उनकी पहचान करके बताओ, ये बताओ। नई बात आपने कह दी, कौन थे वे बताओ, बताओ कौन थे वो, उनकी पहचान करके बताओ। दर्शक थे, दर्शकों के बीच में बैठ ही नहीं सकता बैठता नहीं। तूने देखा रैली करेगा तो उतनी दूर तक खाली पड़ा रहा आगे, कौन थे? क्या कह रहा, मुझे क्या पता, तू बताओ। पत्रकार ने आपने बात खोली है ना, तो आप बताओ। यार मैंने कहा चोरी हुई, और चोरी किसने करी? दरोगा तू है, पता करके बता। जो कैमरामैन तू है, पता करके बता। मैं थोड़ा ही बताऊ, मुझे क्या पता होता तो मैं फिर रिपोर्ट थोड़ा लिखवाता। मैं तो यहाँ से कालर पकड़ता, दो गुद्दी पे मार के पूछ लेता, चोरी का बाल मेरा रखा कहा? कौन थे? अनुमान लगाई आपकी भविष्यवाणी सही होती है? अनुमान लगाऊंगा। संजय सिंह जेल जाएंगे तो चले गए, आपने कहा केजरीवाल जाएंगे, चिंता मत करे। कौन लोग थे इस बात को तो बताइए, जो इर्द गिर्द प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द बैठे हुए? एक 140 करोड़ का देश है, मैं कैसे कोई सबको पहचान पाता हूँ? मैंने तो आपसे कहा है कि वे कौन लोग थे जो प्रधानमंत्री के चारों तरफ बैठे थे, क्योंकि वो सुरक्षा में रहता है देश का प्रधानमंत्री, वो सात लेयर की सुरक्षा रहनी चाहिए थी जैसी प्रधानमंत्री की रहती है, वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा रहे थे तो खुशी होनी चाहिए ना कि देश के प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहे। और ये देश की 140 करोड़ जनता दुखी थी, तो मेरे दुख में अगर तू हंसता है तो कौन है तू? मेरा हित ऐसी हो सकता है कि अमित शाह जी ने चुटकुले दिए होंगे तो उस पर हंसे बगल में बैठे थे। अच्छा, तो ये दोनों वहां चुटकुले चलते हैं, दोनों के चुटकुले चलते हैं, तो वहां चुटकुले करने इन्हें देश ने गृह मंत्री, तो अगर चुटकुला ही लेना था तो जाके उस सुरंग का ले लेते जिसमें मेरे देश के 40 नागरिक फंसे हुए हैं, उस पर चुटकुला नहीं लेंगे। सुरक्षा कर्मी गई है वहां ढूंढ रहे सुरंग के पास, तो वहां सुरक्षा। आप बताइए, मैच में आप हंसने से, प्रधानमंत्री के हंसने से आपको इतनी तकलीफ है, आपको तो खुश होना चाहिए प्रधानमंत्री जी हंस रहे हैं वहां पहुंचे। मेरा देश रो रहा है और तू हंस रहा है तो क्या हो? और देखिए, देश का गद्दार ही कल हंसा होगा, कोई देशभक्त कल कोई नहीं हंसा। शुक्रिया, अगर ये वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।